आज हमारे साथ फिल्म्स ऑफ इंडिया पर हैं मल्टी टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने मर्डर 2, हिंदी बाजार, शेडोज ऑफ टाइम, छल, मिस्टर सिंह एंड मिसेस मेहता और बहुत सारी फिल्में की हैं। और इनकी अभी अगली आने वाली फिल्म है इशक। मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत नारायणन की। हेलो प्रशांत, कैसे हैं आप? प्रशांत, आपकी जो एक्टिंग है और आपके जो किरदार आपने अब तक प्ले किए हैं, ये भले फिल्म अगर उतनी चले नहीं चले, लेकिन आपके किरदार कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाते हैं लोगों के दिमाग पर। और अब तक आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, आपने जब ये सोचा कि मैं एक्टिंग करूँगा, वहाँ से लेकर आज तक आपकी जर्नी कैसी रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। मुझे तो हमेशा लगता है कि मेरा हर दिन जो है एक नया दिन है, बिकॉज मुझे आज भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोई एक्टर हूँ या कुछ लोग मुझे स्टार भी कहते हैं, यू नो, तो मुझे ये सब लगता नहीं है। मैं आता हूँ उधर, अपना कुछ लिखता हूँ, मैं कुछ पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ मैं, तो इसलिए मुझे एवरी डे हैज़ बीन अ न्यू डे। तो जब और एक्टिंग का भी कोई खास आइडिया नहीं था करने का, वो इसलिए शायद बिकॉज स्कूल कॉलेज टाइम से ही मेरे इन चीज़ों को लेके मेरे व्यूज़ बड़े अलग रहे हैं। अब आई टू बी दिल्ली स्टेट बैडमिंटन प्लेयर, तो मैं तो स्पोर्ट्समैन हुआ करता था, मैं तो खेलता था। जैसे मैंने कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने पता नहीं क्या खा के एक एग्ज़ाम दिया था, एक LDC क्या लो डिवीज़न क्लर्क का, एक सरकारी कंसर्न में। तो वो एक्चुअली कुछ इसलिए कहते हैं, मम्मी और डैडी सब यही बोलते हैं कि बादाम वगैरह खाया करो अच्छी तरीके से, तो क्या याददाश्त अच्छी रहती है, दिमाग अच्छा संतुलन में रहता है। तो वो सब जो है सोच के शायद मैंने वो एग्ज़ाम दिया था और मैं पास हो गया। तो कॉलेज जैसे ही ख़त्म किया मैंने, अगले दिन ही मैं जाके ऑफिस, एक अजीब सा सरकारी ऑफिस में, मतलब मैं कुछ अजीब सा ही हो गया उधर जाके। तो बट देन द सीनियर्स एंड ऑल वर वेरी, और आई वाज द यंगेस्ट पर्सन जो उधर पहुंचा था, तो दे ऑल न्यू कि यार ये इतना रुकने वाला है नहीं यहाँ पे। जिसको मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक आपको लगा कि आज से आपका एक्टिंग करियर शुरू हो रहा है? अरे यार, वो एक सीरियल था, उसके बाद मैंने नहीं फर्ज तो बाद में किया था मैंने, फर्ज एक मैं डिड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, देन मैं केतन मेहता का असिस्टेंट रहा एक साल के लिए। तो उसके बाद जो है मैं सब चीज़ों से बोर हो गया, मुझे एक्चुअली प्रोड्यूसर बनना था, यू नो। मुझे लगा कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में अगर मेरे को नॉलेज रहेगी तो आई विल, यू नो, काइंड ऑफ डू बी अ बेटर प्रोड्यूसर बेसिकली, यू नो। सो इसलिए मैंने ये सब किया। तो फिर मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, मैंने अब ये भी कर लिया, तो फिर मैं प्लेस डायरेक्ट करने लग गया। तो मैंने पृथ्वी थिएटर में जो है एक थिएटर ग्रुप जो ओपन किया, जिसका नाम है द एक्टर सिंडिकेट, और मेरे कई सारे एक्टर वैक्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, और काफ़ी 12-13 प्लेस मैंने डायरेक्ट कर लिया। तो एक प्ले मैंने किया था मुंशी प्रेमचंद का, बड़े भाई साहब, तो जिसमें मेरे एक्टर्स हुआ करते थे, हमारे डायरेक्टर हैं आजकल अनुराग कश्यप और एक और था, सबको भूल गया मैं एक्चुअली। तो ये लोग गए थे, ये लोग इन लोगों को पता चला कि परिवर्तन नाम का एक बहुत बड़ा सीरियल लॉन्च होने वाला है GTV पे, लाइक द ओपनिंग प्रोग्राम, वेरी बिग, भरत रंगाचारी डायरेक्टर, और काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है काफ़ी इसका बोलबाला चल रहा था। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो इन लोगों को टाइम मिल गया तो भरत से कि ऑडिशन के लिए टाइम, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या हम लोग, यू नो, यही पीस कर सकते हैं क्या? हाँ यार, श्योरली डू दैट। अब तक जो आपने किरदार किए उसमें सबसे करीब किरदार कौन सा रहा आपके, मतलब आपको लगा कि नहीं शायद ये प्रशांत नारायणन करना चाहता था या इस तरह किरदार और आगे करना चाहेगा? बिकॉज एक एक्टर की कोई लिमिटेशंस तो होती नहीं है, बट स्टिल अगर अब तक आपकी जर्नी अगर आप देखते हैं पीछे मुड़कर कभी, तो आपको लगा कि यार ये चीज़ बहुत बेहतरीन हो जाएगी? या सी आई टेल यू, मुझे क्या लगता है कि या तो आप आर्टिस्ट हैं या आप धंधे करने वाले हैं, यू नो। 95% यहाँ पर जो लोग एक्टर्स अपने आप को कहते हैं वो एक्चुअली धंधा कर रहे हैं, यू नो। तो मैं उन 5% एक्टरों में से हूँ जो सिर्फ अपनी मन की मर्ज़ी से काम करता है। तो अगर आप मेरे पास एक स्क्रिप्ट लेके आएंगे जिसमें आप मुझे बहुत सारा पैसा ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे, आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, आपके लोग पसंद नहीं आए, आपका आप कौन है ये पसंद नहीं आए मेरे को, तो मैं करता भी नहीं हूँ। तो ऐसे कई लोग इधर आते हैं और कई लोग चले जाते हैं, लेकिन और जिनके साथ मैं काम नहीं करता हूँ, वो इसलिए काम नहीं करता हूँ क्योंकि अगर पैसा ही मुझे कमाना है या मुझे सिर्फ शोहरत ही चाहिए तो मेरे पास उसके बहुत सारे अलग अलग जरिए हैं। तो लेकिन अगर मैं एक्टर हूँ या मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो आई वुड लाइक टू सी टू इट दैट, यू नो, कि अगर आप मुझे 5 रुपये भी दें लेकिन मैं आपको जो है 5 लाख रुपए का एंटरटेनमेंट दूँ। दैट्स हाउ आई डू माई वर्क, यू नो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, आई एम इंटरेस्टेड इन इमॉर्टैलिटी। माई होल, यू आर स्टिल ओपन टू लाइक एक्टिंग टू फिल्म, सीरियल्स, एनीथिंग एज लॉन्ग एज आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड आई फाइंड दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल इनफ फॉर मी टू take up that job and to see to it that the producer is damn happy with me. That's my important. I never mess up with dates. I never आई एम लेट ऑन सेट्स, आई एम कम्प्लीटली ऑन विद दैट। तो जिस दिन मैं शूटिंग कर रहा होता हूँ उस दिन मेरा मोबाइल भी एकदम जो है मेरे बैग के अंदर रहता है और मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ शूटिंग के अलावा। अभी आपकी अगली फिल्म आ रही है इसाक, उसमें आप एक नक्सलाइट का रोल प्ले कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा उस फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में। सी इसाक इज अ, मनीष तिवारी जो डायरेक्टर जो है वो भी एक ऐसा डायरेक्टर जिसका एस्थेटिक सेंस बहुत कमाल का है, यू नो, उसका एक अपना एक विजन है जो बहुत अलग है। और उसने ये इसाक जो शूट किया है इट इज़ एक्चुअली रोमियो एंड जूलियट जो है विलियम शेक्सपियर की कहानी जो है उसने वो बनारस में सेट किया अडाप्ट करके। और मेरा जो रोल इसमें है वो एक ऐसा रोल है जो शेक्सपियर ने भी नहीं लिखा है, तो तो मेरा ही रोल है जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है, जो मनीष ने अपना और उनके राइटर्स ने क्रिएट किया अबाउट दिस। आई एम द ओनली जो जैसे रोमियो हो गया, प्रतीक है, जूलियट हमारा है, यू नो, और रवि किशन ये है, राजश्री ये है, यू नो, सो एवरीबडी इज समथिंग इन द प्ले, यू नो, आई एम द कंप्लीट नोबडी। सो नोबडी में से भी आप कुछ निकाल कर ला रहे हैं। हाँ, मैं सो आई एम प्लेइंग अ मलयाली नक्सल लीडर इन दैट, सो थोड़ा सा मैंने मलयालम भी यूज़ किया है और थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए कुछ कुछ है, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग है। और हिंदी फिल्में भी करते हैं और मलयालम फिल्म भी शायद या मैंने मेरी दूसरी फिल्म, अभी मनीषा की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी पहली फिल्म थी उन्नम और मेरी दूसरी फिल्म है वो सिबी मलयाल करके बहुत बड़ा डायरेक्टर है केरला में, उनका फिल्म था। उसके बाद ये जो अभी दूसरी फिल्म कर रहा हूँ वो भी एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं कॉल लेनिन राजेंद्रन। सो उसमें मैं और इस तरह के किरदार करते तो इन किरदारों में आप रिसर्च क्या होता है? मतलब मैं कोई रिसर्च नहीं करता यार। एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग अपने दिल की सुन के एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग अपने डायरेक्टर्स की हेल्प लेते हैं। व्हाट इज काइंड ऑफ मेथड लाइक, आपको कोई अपना तरीका? मेरा कोई तरीका नहीं है एक्चुअली, मेरा एक तरीका है कि मतलब आप जो है एकदम नहा धो के फ्रेश होके आप सेट पे पहुँचिए। आप म्यूजिक के भी शौकीन हैं, काफी हमने सुना हुआ है लाइक ये सारी जिंदगी का टाइटल सॉन्ग भी आपने मिश्रा जी के साथ गाया, तो मतलब क्या ये लगाव म्यूजिक के लिए जो लगाव है और ये किस तरह आगे बढ़ रहा है? म्यूजिक के लिए लगाव मेरा बचपन से रहा, बिकॉज माय फादर यूज्ड टू बी अ सिंगर एंड आई मीन ही स्टिल सिंग्स एंड ऑल दैट। जब भी थोड़ा सा एक दो पैक लगा के गाना गाते हैं वो, यू नो, सो आई थिंक म्यूजिक इज देयर इन द फैमिली। सो बट ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी म्यूजिक कंपोज करूँगा या गाने लिखूँगा या इस फील्ड में ऐसा होगा कि अभी आज मेरे पास खुद का अभी स्टूडियो है मेरा और यू नो मैं गाने बनाता हूँ यहाँ पे। हवाओं के रुख पे जरा ध्यान दे मुसाफिर, हवाओं के रुख पे जरा ध्यान दे मुसाफिर, के मंजिल कब आए किसी को खबर नहीं, फुर्सत से चलने में मुझको नहीं है यकीन, फुर्सत से चलने में मुझको नहीं है यकीन, कि मंजिल गवा दे किसी को खबर नहीं। आपकी भी कभी इंस्पिरेशन से रहे होंगे, आज भी हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज है, किस तरह का? बिकॉज यू नो हम सोचते हैं कि जितने भी ये यूथ लोग हैं इनके साथ में ऐसी कुछ बात हो जाती है, स्ट्रगल को सर्वाइव नहीं कर पाते, तो कैसे उस चीज़ को आप उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? सी आई थिंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और मैं कई लोगों से मिलता हूँ जिनको मैं मिलता हूँ और मुझे लगता है कि रियली मतलब क्या क्या सुनने को मिलता है मेरे को यहाँ पे कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हमको यहाँ से धुतकार दिया, हमको ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हर कोई एक रियलिटी चेक ले लें और अपने आप से अगर ऑनेस्ट रहें तो आपकी तकलीफ़ें बहुत कम हो जाएंगी। मैं भी अपने आप को न्यू ही समझता हूँ, यू नो, बिकॉज मेरे लिए हर एक चीज़ जो है, हर एक दिन मेरे लिए एक नया दिन होता है, तो मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। मैं क्या एडवाइस करूँ किसी को भी। ठीक है प्रशांत, हम आपको ऑल गुड विशेस देते हैं आपकी आने वाली फिल्म इस्सक के लिए, और ये भी विश करते हैं कि आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे और बेहतरीन रोल से आप हमको खुश करें और हम देखते उसे बहुत पसंद करें। श्योर सो मच, श्योर श्योर, थैंक यू थैंक यू। जुदा ना हो इतना मजबूर कर दे, मेरी नस नस में बस बस जाए प्यार तेरा, मेरी नस नस में बस बस जाए प्यार तेरा, मैं किसी को ना देखूं तू इतना मजबूर कर दे, मैं किसी को ना चाहूं तू इतना मुझे प्यार कर ले। Hello everybody, this is Prashant Narayanan and you're watching me on filmsofindia.com. Stay tuned.